जब हम स्वाति में गए तो उस लव एट फर्स्ट साइट होता है ना कि कोई आप एंटर करते हो तो आपको अच्छा लगता है वो फील कि हाँ हम एक अच्छे घर में जा रहे हैं। मैंने अगर लॉन्ग टर्म सोचा है तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली आर्शिया वो ही आती है, तो ऑब्वियसली इज वन काइंड ऑफ गिफ्ट टू हर कि लॉन्ग टर्म अभी भी वो बोलती है कि वो मेरा घर है, हम अपने घर में कब जाएंगे, मेरा घर का कब फिनिशिंग होगा, वो नहीं उसको लगता है उसका मतलब अपना एक वो फीलिंग आता है, शी इज द लाइफ ऑफ आवर होम, मतलब बहुत ही बबली और तो इसलिए घर में भी जाके वो स्वाति क्रजंता में भी जाके उसने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया कि नहीं ये अच्छा है, उसमें ये है वो है। पहले ही दिन उसको वो अपनापन हुआ, उस वो सैंपल हाउस होता है ना, जाके हम ऑफिस में बात कर रहे थे, वो अंकल को बोलती है अंकल कैन आई स्टे फॉर वन डे देयर, कि आज रात को हम यहीं रुक जाते हैं। एम्यूनिटीज हमारे लिए बहुत, उसको स्विमिंग पसंद है तो हमको स्विमिंग पूल हमको नहीं चाहिए बट उसके लिए तो चाहिए। फिर पार्टीज़ में जाना बहुत पसंद है, बैंक्वेट हॉल होना बहुत ज़रूरी था कि बर्थडे पार्टी तो उसको करना ही है, हम हमेशा सोच तो नहीं सकते कि कहाँ करेंगे, तो ऐसा कोई कन्वीनियंट तो कुछ होना चाहिए था। और आसपास हमको कोई लगा नहीं कि कहीं बैंक्वेट हॉल वाला कोई अपार्टमेंट तो है नहीं, आजकल लोग छोटे छोटे में थिएटर बना लेते हैं बट बैंक्वेट हॉल नहीं बनाते। मेरा मैं तो ये बोलूँगी कि घर तो मुझे पहले ही पसंद आ गया था, तो मैंने बोला अब लेना है तो यहीं लेना है। इसका बर्थडे था एक्चुअली, जून में हम घर देखना शुरू किए एंड बाय 22 जुलाई हमने बुक कर दिया था, क्योंकि 22 जुलाई उसका बर्थडे था।